बुलंदशहर में दरोगा का ऑडियो टेप वायरल। लेनदेन का समझौता करवाने के नाम पर कर रहा है 50,000 रुपए की मांग। दरोगा और प्रधान के बीच हुई बातचीत का ऑडियो क्लिप। हेलो दरोगा जी, नमस्कार। नमस्कार। हाँ प्रधान जी, मैं चलो आया हूँ जल्दी में, तेरे साइड पे थोड़ा काम चल लो। अच्छा, क्या कह रहे हैं? क्या हो रहा है उसमें, कुछ करोगे ना करोगे? बात करी मेरे दीवान जी फोन उठा पूरे इतना जब उठाया हो, इतना बीच में उठाया हो, दो मिनट बात करेंगे, बिल्कुल एक मिनट भी ना करी बात। यार वो चेक दे दिया फंड काट दो लगू, तो मैंने बताया भैया उन्होंने सब मना कर दे, चेक ना दे रहे, चेक ना दो। मैंने बता दी मैं चेक करने का, आप जैसे बता रहे कुछ भी ना होना, मैंने लगा दी ठीक है, तो बेकार बताओ बात वो नहीं है, उसमें क्या होगा क्या नहीं। बात यह है कि हमारी आपकी बात है, वो मुझसे रोज आता है, मेरा चेक दो ना ये मसला निपटाओ। जी जी जी, मैं उसे क्या जवाब दूं? बता रहा हूँ, मजबूत न करो, दरोगा जी बताएंगे पैसा, अरे 2.5 लाख रुपए दरोगा जी पे रखेंगे पैसा है, जो करो दरोगा जी पे रखे सगरे पैसे 2.5 लाख रुपया भी। भाई वो तो अलग बात है, मैं ये कह रहा हूँ मैं उसे क्या जवाब दूँ, मुझे तो आप मुझे बताओ मैं उसे क्या जवाब दूँ। मैं उसे कह रहा हूँ भाई रुक भाई रुक भाई रुक, हो रहा हो रहा, मैं उसे क्या जवाब दूँ? हनुमान जी नो करे भैया, मैं ना दे पाऊंगा पैसा, वैसा मैं 20,000 रुपए दे सकूँ, बस कर दे बात। नहीं 20 क्यों दे देगा भाई, भाई 20 वो दे देगा प्रधान जी, तुम जानो फिर। मेरी तो बात तुमसे हुई है, मैं दीवान जी को क्या जानू यार, मैं क्या कहूँ उसे बताओ। बिल्कुल, मेरा उससे क्या मतलब, भाई मेरी तो बात आपसे हुई है, मैं तो आपको जानू। करे 50 बने उनके, जैसे मैं 20 दे पाऊंगा, मैं दे पाऊंगा ज्यादा, मेरे फोन 3 लाख रुपया है, मैंने की यहाँ 20% के साथ 50,000 बने। भाई जब बात हुई आपकी उसे बताओ ना, भाई मुझे भरना हो तो। हाँ मैंने कही भाई 20% पे बात नहीं करे, मुंह सूखे में मैं बोलो तुम वो चेक देते तुम यार, बोला चेक तो मैंने लगा दी, चेक तुम पर लौट के पहुंच गो लग रहे आपको दुआ लग रहा हूँ, चेक तुम पर लौट के पहुंच गो, मेरे रिश्तेदार ने बात करी कॉन्फ्रेंस में लेकर थोड़ी देर, फिर उन्होंने बताई रिश्तेदार नहीं, अगर रिश्तेदार बढ़ जाए हैदराबाद के, बोले भैया उन्हें मानते हो मैंने कहा चेक देने के टाइम। वो चीज तो मैं आपको पहले बता रहा था, वो तो मना ही करेगा, वो क्यों कहेगा मैं चेक दूं भाई, ये तो बात आपकी मेरी है। फिर मैंने पूछवाई है वहां कहीं नहीं, मुंह पे कंटेंट करवाओ पैसा तो मुंह देने पड़ेगा, जिम्मेदारी तो मेरी है। हां भाई बड़े जिंदो लेंगे मुंह देने पड़ेगा, दरोगा जी 50,000 रुपए तुम ना दोगे तो जिम्मेदारी तो मेरी फंसी हुई हूं मैं। हां हमने भी अब बोले के उनकी जो बात हुई तो मानी ना करें, 20,000 बताऊंगा मैं तो बस। नहीं बस तो प्रधान जी तुम जानो भाई, मैं तो इस बात को क्या जानू, मेरी तो आपसे बात है भाई, आप वो आपको क्या दे क्या ना दे, आपकी उससे क्या बात हुई, आप उस पर क्या यकीन कर रहे हैं भाई, ये तो आप जानो ना। चलो तुम 2 दिन का टाइम और दो, हैं 2 दिन का टाइम और दो, 2 दिन का टाइम। मैं एक चीज नहीं समझ पा रहा हूँ प्रधान जी, तुम क्या इन लोगों को पहचान नहीं पाते हो, क्या करते हो मैं तो समझ नहीं पाता। ऐसे क्या पता यार, आदमी चेक लगा आंख बदल देगा, अभी तक तो हमारे घोसला था लेके इसकी क्या बात कर दी आपने, मेरे आज तक ऐसा होता है क्या? ना आज तक पता ही ना पड़े हमारे संग, आज तो कोई मैटर ही ना हो, आज तक करी ना ही नहीं जैसा आप कर रहे हैं भाई, ये कोई वजूद है क्या? उनका दिमाग में तुम्हें बता रहे सरदार यार, मेरा 3 लाख तो मूल हो, मो 2.5 लाख मिल लो, 2.5 लाख में 50,000 हमने जबरदस्ती तो करी नहीं उससे, ये तू ढाई ले, मैंने जब तो कही ही तुम वाटे मने कर दे, मैं ले लो 2.5 लाख रुपया, मैं तो 3 लूंगा 5 लूंगा, मैं जब इतने लंगा इतने कम मैं मान लो, हम कह रहे तू चेक वापस दे, उससे 20 लाख ले लेना। हाँ चेक वापस दे, चेक मैंने दिया ना तुझे, या तो अपनी बात कर, नहीं मेरा चेक वापस दे। आप तो कह सकते हो इस चीज को, बिल्कुल कह देंगे बिल्कुल तो अपनी बात करें, नहीं चेक वापस दे। मैंने कही तुम अपनी बात, नहीं तुम्हारी कौन सी बात हुई, चलो 2 दिन को देखो बात कर, काका के मैं दे देंगे सही से, आप ही तो बात कर लो। हाँ तो भाई उसका ऐसा नहीं, देखो प्रधान जी ये नहीं हुआ करता,
चलो दो चार पांच की तो बात ये, चलो हम भी अपने आप चलो छोड़ दें, बेईमानी वाली बात है, ऐसा गलत बात है। देखो हम भी नहीं चाहते मसला ना हो, लेकिन जो है इसे इतना नहीं भाई, हमने काम किया दिलवाए और वो देता नहीं। जी जी जी। उस समय तुमने भी देख लिया था वो देता नहीं, ना ना देता था नहीं, मुझे मालूम है ना, और वो देगा फिर भी नहीं, वो देगा फिर भी नहीं। ये तो आपने भी महसूस कर लिया होगा ना, उन्हें दे रहा है कोई सत्या की भाई, जब भी रहो उन्हें दे रहा हूँ ना, पहला तो ये इससे क्या मतलब है भाई, ये चीज इस आदमी चूतिया आदमी को कौन समझाए भाई, तुम पता नहीं, मैं तो तुम्हारी बात बोल रहा हूँ, मेरी कहा मैं दरावार प्रधान जी और पीछे पड़ जाते तो इतनी नौबत नहीं आती, मत विश्वास। मैंने तो उससे भी कहा था, मैंने तो प्रधान जी से भी कहा था, उससे भी कह रहा था नहीं कैसे नहीं होगा, करेगा करेगा कैसे नहीं, मैंने कहा यार दोनों आदमी तुम वहां बैठे थे, आपको मना कर रहे हैं दरावार ना करे भैया, तुम्हारी बात भी दरोगा जी तुम जानो, बात ना करी, मैंने कही तू 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 ना आवा जी मौके पे भाई। देखो चलो ये बात सही है कि बात तो मेरी तुम्हारी हुई थी, लेकिन फैसले में मौके पे था वो, इससे मेरी ये बात तो हुई नहीं भाई कैसे करना है, पैसा देने की बात ना होनी है ना, ना तो ये चीज जो है उसे उसे क्या मतलब, वो तो ये कहेगा बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मैंने उससे कहा फैसले में था तू कैसे कैसे भाग कैसे भाग रहा वो कि नहीं करेगा करेगा कैसे नहीं। अरे मैंने कहा यार कितने दिन हो गए क्या कर रहे हो, चलो क्या करो जरा, चलो मेरे चक्कर में सिर में दर्द हो रहा है, मैंने तो कह दे भैया तुम ना दोगे तो हम पे दंड पड़ेगा, बीच बारे का हो जिम्मेदारी वाली होगा, और जिम्मेदारी में मुझ पर दंड पड़ेगा और बाकी जाएगा कहाँ यार, प्रधान जी तुमसे कैसी बात कर दी तुमने, मैं मुझे तुम क्या ऐसा नहीं, मुझे मुझे मालूम ना ही बहन, तो ऐसी तुमसे बच के चला जाएगा वो, तुमसे बच के चला जाएगा क्या, ना बच के तो कहने जाएगा, फिर ड्रामाबाजी करनी पड़ेंगी, हम सोच रहे हैं सीधे हाथ बात मिल जाए दबा दें, उनके दिमाग में यू ही फिर उलझ जाता जा रहा होगा, मेरे 30,000-35,000 की तो वो लग रही ईंटवा में 35,000-40,000 की तो। एक बात सुनो, ईंट वाली बात है उस आदमी को चलो कही जाए भाई, ईंट का तेरा क्या मतलब, ये चीज तो कही जाए, अब देश में मैंने कही भी तो आई उसको, जब तेरे में 40,000 की ईंट लग रही है तो मैटर तू भी निपटा ले भाई, कम बढ़ती करके तू भी जैसे करे, अब देश बोलो जी की मैंने वो 1 रुपया भी फाल तू भी, अब देश साफ नहीं करते, मैंने कहा हमने बहुत देर बात करी शर्मा जी, एक काम करो यार राय तो तुम राल ना हो, निपटान जी बात तुम छोटी कर लो बात, हमने बहुत लंबे तुम्हारे आड़े हो गए, मतलब मैं काटो रखते छोटे तरह जब आगे ईंट लग रही है, ईंट रंगी जितनी ईंट बैठा होगी लागत बैठ रही है, मैं एक चीज ये कह रहा हूँ, इसने ईंट दबा ली चेक दबा लिया, मुझे तो दे मेरे 50, हाँ तुम्हारे 50 जो ये हुई चक्कर है ना, बिल्कुल भाई घूम रहे थे तू अपना ले लेना, हाँ मैंने दे तो करो बात खत्म, ये कर चलो मैं बात कर लू उनसे बात है, तुम अपने मजे दो ईंट दो या मजे दे मत दो, उनके 50,000 दे दो रोगा जिनके बाद छुट्टी खत्म करो, अपने चेक कर निपटा के आ निपटा बस प्लॉट दियो या मत दियो जा जन तुम्हें है? बस तू अपना दबा कर ना, कौन क्या है, बस 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 छुट्टी ठीक 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 है, नहीं तो देखो सुनो कायदे की बात तो ये है, चल हम उससे कह देंगे भाई चल कुछ नहीं हो रहा कुछ नहीं हो रहा, नहीं तो कायदे की बात तो हम तो ये कह रहे प्रधान जी है तो उसके 2.5 दे दो या फिर चेक दे दो, बस बस हम चलो उस चीज को भी वो करें, चल भाई तू अपना कर लेना जैसे करेगा है ना, बिल्कुल बिल्कुल तुम्हारी बात सही है, तो ये तो दे भाई बिल्कुल, तो इसको करो निस्तारण प्रधान जी, बिल्कुल बिल्कुल करता हूँ बिल्कुल, ठीक ठीक है ठीक। देखिए एक ऑडियो आज हमारे मोबाइल फोन पर किसी व्यक्ति द्वारा व्यक्तिगत रूप से भेजा गया, उसमें थाना आहार पर तैनात सब इंस्पेक्टर अनिल कुमार द्वारा एक प्रधान से बातचीत की जा रही थी, बातचीत सुनने से ये लगा कि दरोगा के द्वारा अनधिकृत रूप से 50,000 रुपये की डिमांड किसी प्रकरण में समझौता कराने के एवज में प्राप्त करने की बात थी, प्राथमिक छानबीन से पाया गया कि वह आवाज़ सब इंस्पेक्टर अनिल कुमार की है, अतः तत्काल प्रभाव से उन्हें निलंबित करते हुए पूरे प्रकरण की प्रारंभिक जांच कराई जा रही है। सर प्रधान के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई? नहीं, प्रधान का उसमें कोई रोल नहीं पाया गया, लेकिन फिलहाल जांच के दौरान अगर कोई उसकी भूमिका पाई जाती है तो उस संबंध में कार्रवाई की जाएगी। आहार थाने में तैनात दरोगा अनिल चौधरी का बताया जा रहा है ऑडियो क्लिप। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी, Time 24 न्यूज।
चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।